अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब लग रहा है ना बिल्कुल रोमांटिक डेस्टिनेशन, जहां होगा रूही मैडम का अंतिम संस्कार। कहां जी? हे भगवान, रूही यहां भी गई? अभी तो ये बस सपना था, लेकिन बहुत जल्द हकीकत होगा। ओ गॉड, 3 बज गए, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, बाकी का प्लान भी पूरा करना है। ये कैसा शरबत है? इसने मोहब्बत शरबत कहवे हैं, इसको पीकर तो पत्थर दिल में भी प्यार भर जावे है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा दिल पत्थर का है? पत्थर नहीं, पर प्यार की कमी तो है। कुछ कहा क्या तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पीजिए ना। थैंक यू। वाओ, ये शरबत तो बहुत अच्छा है। वैसे आप कहाँ से हैं? जी, राजस्थान। राजस्थान से? लेकिन राजस्थान तो बहुत बड़ा है ना, राजस्थान में कहाँ से हैं? जैसलमेर। असल में ये इतने बड़े बावर्ची, इतनी छोटी सी उम्र में इतना नाम है इनका कि ये पूरे राजस्थान भर का भ्रमण करते फिरते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बस नाम ले लो, वहीं पे ये रहे और काम किए हैं, है ना? अच्छा, अब बहुत पंचायती हो गई है, जाओ जाके दूसरा शरबत बना के लाओ, इसमें मजा नहीं आया। क्यों प्रश्न करियो मेरे दामाद को? दामाद? दामाद? गलत निकल गया, मेरा मतलब था। क्यों परेशान कर रहे हो मेरी समनन जी को? अब मांग रही है दूसरा शरबत ला के दो ना। हुक्म। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? रूही तो अपने मायके में है, एक बार कॉल कर लूं क्या? एक बार कॉल कर ही लेता हूं। अपने प्लान को पूरा करने के लिए मैं नाहर को कॉफी देने के बहाने उसका फोन ले लेती हूँ। नाहर जी। रूही तुम ठीक हो ना? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी नाहर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है जीजू, रूही को आए हुए बस थोड़ा सा टाइम हुआ अभी, तो आप उसे इतना मिस कर रहे हो? एक मिनट। सॉरी, वो पिंकू भैया ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। कोई बात नहीं, वैसे पिंकू भैया सही कह रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ रूही, बहुत ज्यादा। अच्छा पता है कब से घड़ी देखे जा रहा हूँ लेकिन ये शाम है कि हो ही नहीं रही है। नहार को रूही की आजकल इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अच्छा रूही सुनो मेरी बात, मैं ठीक 6 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? तुम तैयार रहना और कोई भी प्रॉब्लम, आई मीन कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। और कुछ
कुछ बात है जो मुझे तुमसे करनी है, जो मैं सबके सामने नहीं कर सकता रोहित। ठीक है, तुम रेडी रहना, ओके? जी ठीक है ना जी, मैं 6 बजे तैयार रहूंगी। अच्छा सुनो, इसी ऐसी क्या बात करनी है नाहर को? सुबह भी कुछ कहने वाला था और अभी भी। रोहित, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम्हारे साथ जो भी हादसे हो रहे हैं उसके पीछे पहले भी अग्नि थी और अभी भी अग्नि है। और तुम्हें बताना जरूरी भी है ताकि तुम उसके चालों से सतर्क रह सको। आज मैं आपके साथ हूं और हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे भी सतर्क रहना होगा। नहर को मेरे बारे में सब पता चल गया, लेकिन कैसे? से मेरे लिए इतनी आसान नहीं होगी। मैं रूही पे इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत सोच समझ कर अपने प्लान को अंजाम देना होगा। सोच समझ कर नहीं, मैं अभी सारे प्लान कैंसिल कर देती हूँ। मैं सारे प्लान कैंसिल कर देती हूँ। एक मिनट, अगर नाहर को मेरे बारे में सब पता चल गया तो उसने मुझे घर से क्यों नहीं निकाला? इसका मतलब उसको बच्चे के फिक्र है। ये बच्चा मेरी ताकत है और नाहर की कमजोरी। मुझे बहुत सतर्क रह के अपने प्लान को अंजाम देना ही होगा। रूही इस समय अपने मायके में है और मैं यहाँ घर पे हूँ। किसी को मुझ पर शक नहीं होगा और मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगी। एक बार अगर रूही इस दुनिया से चली गई ना तो नाहर को बच्चे की मजबूरी के खातिर मुझे और बच्चे को अपनाना होगा। नहीं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे और या बार, रूही की कहानी तो खत्म होगी रहेगी। घर में मन नहीं लग रहा, सत्संग चली जाती हूँ। गुरुजी को ये मिठाई और नए कपड़े भी दे दूंगी। सॉरी दादी, लेकिन अपने प्लान को पूरा करने के लिए मुझे आपकी टांग तोड़नी ही पड़ेगी। तो दादी की आवाज है, दादी को क्या हुआ?
रूही, मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, उसके लिए मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, ये बात बहुत गंभीर है, सिर्फ हम दोनों के बीच है, किसी को कुछ मत बताना, लोकेशन भेज रहा हूँ, ठीक 5 बजे पहुँच जाना प्लीज़। ऐसी कौन सी बात करनी है नाहर जी को जो मुझे अकेले में बुला रहे हैं? ओके नाहर जी, रोहित का रिप्लाई भी आ गया, मैं जल्दी से इस मैसेज को डिलीट कर देती हूँ। वैसे दादी के लिए दर्द वाली क्रीम ले लेता हूँ, लगा दूंगा तो आराम मिलेगा। मैं जल्दी से नहर की सिम खराब कर देती हूँ ताकि नहर और रूही की बात ना हो पाए आपस में। वो क्रीम कहाँ? क्रीम तो मिल नहीं रहा है, स्प्रे ही लगा देता हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। चलो ये काम तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पूरा करना है। नाहर जी ने जिस जगह बुलाया है वो थोड़ी दूर है, अभी निकल जाते हैं। क्या हुआ रूही? जूही वो मुझे कहीं जाना है। जाना है मतलब जीजू तो 6 बजे आएंगे ना तुझे लेने के लिए, फिर तुझे कहाँ जाना है? नाहर जी ने किसी को भी बताने से मना किया है, यहाँ कुछ बताऊँ या नहीं? जूही वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मैं नाहर जी को वहीं बुला लूँगी। चल बाय। क्यों मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, अचानक से रूही के जाते मम्मी पापा के फोटो फ्रेम का गिरना। रूही ने ठीक से बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। आई होप सब ठीक हो। जूही तो बेकार में परेशान हो रही है बेटा, रूही गई होगी किसी काम से गई होगी ना, और वो कह भी तो रही थी कि वो नहर दामाद जी को वहीं बुला लेगी। फिर हम खा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। भगवान करे ये मेरा वहम ही हो, रूही के साथ कुछ गड़बड़ ना हो। भैया पुराने किले के पास जो खुला मैदान है ना, जहाँ पर पहले मॉल हुआ करता था, वहाँ जाएं। बैठिए। अग्नि का वॉइस टोन। रूही मैंने बच्चे के पालने के लिए कुछ डिजाइन सेलेक्ट किए हैं, एक बार तुम भी देख लो, कोई पसंद आए तो बताओ, मिलके फाइनल करते हैं। अग्नि को बच्चे की कितनी फिक्र है, मैं उसे डिजाइन सेलेक्ट करके भेज देती हूँ। ये क्या, मेरा फोन हैंग कैसे हो गया? रोही को मैंने ऐसा वायरस वाला लिंक भेजा है जिससे क्लिक करते ही उसका फोन खराब हो जाएगा और बंद हो जाएगा। उसके बाद ना नहर उससे कांटेक्ट कर पाएगा और ना ही कोई और, और ना ही वो किसी से कांटेक्ट कर पाएगी।
से ना मैं बनवा लूंगा। और जूही तो ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अच्छा सुन ना, क्यों ना हम सब लोग आज साथ एक मूवी देखने चले। अब मूवी देखने जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे तो सबका माइंड फ्रेश हो जाएगा। वैसे दादी कल अकेली मूवी देखने गई थी, तो आज हम सब लोग साथ में चलते हैं। पूनम, आप कल अकेले फिल्म देखने चली गई? अरे मुझे बता दी, मैं आपके साथ चलता। क्या फायदा आपके साथ जाने का? क्यों? माँ थिएटर में जाते तो सो जाते हैं आप, फालतू के पैसे खराब होते हैं। मैं अकेले गई थी, ठीक था। चलो फिर हम सब साथ में चलते हैं। आंटी जी, मलिष्का जी, आप दोनों भी तैयार हो जाइए। एक काम करती हूँ, मैं छोटे दामाद जी को भी फोन कर लेती हूँ, वो भी आ जाएंगे हमारे साथ, वो भी फिल्म देख लेंगे, थोड़ा समय बिता लेंगे। हैं पति के बाप? हाँ बोला। समर आएगा तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या बचपन है जूही? कुछ भी हो, समर तुम्हारे पति हैं, आज नहीं तो कल तुम्हें उनके पास जाना ही है। पूनम, आप बुलाइए समर जी को। मैं फोन कर देती हूँ, वो वहीं आ जाएंगे ना सीधे थिएटर में, हम लोग चलते हैं, वहीं मिल जाएंगे हम, हैं? ठीक रहेगा ना? चलो इसी बहाने जूही के साथ पहली बार फिल्म तो देख लूंगा। हाँ तो चलिए हम सब तैयार हो जाते हैं ना, कहीं मूवी लेट ना हो जाए, इसे हम रास्ते में फ्रेम को ठीक करवा लेंगे। ठीक है, चलो लेट ना हो जाए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। 4:30 बज गए, एक काम करता हूँ, रोहित के घर ही चलता हूँ, दादा दादी के साथ भी थोड़ा टाइम बिता लूंगा, रोहित को बता देता हूँ कि मैं निकल रहा हूँ। अरे ये क्या, मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। खैर रहने देता हूँ, शायद कोई नेटवर्क इशू है, वैसे भी मैं रोहित के घर ही जा रहा हूँ। नहा, तुम कहाँ? नहा, तुम कहीं मत जाओ, ये माला का ऐसे टूटना अच्छा शगुन नहीं होता है बेटा। दादी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, बेकार में परेशान हो रहे हो, मैं रूही के घर ही तो जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। नहर मेरी बात सुनो ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं वो गुरुजी के आश्रम जाने निकली थी ना भोग और उनके लिए नए कपड़े लेकर, फिसल के गिर गई, और अब ये माला ऐसे टूटी है, ये अच्छा शगुन नहीं है। तुम मेरी बात मान लो ना, मत जाओ, रूही आ जाएगी ना। एक काम करो, ड्राइवर को भेजो, वो ले आएगा, तुम मत जाओ। दादी दादी ये लो। दादी इतना वहम अच्छी बात नहीं होती, आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा। नहा खाटू महाराज, मेरे बच्चे की रक्षा करना। नहर गया तो है रूही को लेने, लेकिन वापस आएगा सिर्फ उसके टुकड़े लेकर। ये कितना दूर है, नहर जी ने मुझे मिलने के लिए इतना दूर क्यों बुलाया, आखिर ऐसी क्या बात है, कहीं उन्होंने मेरे लिए कोई सरप्राइज तो नहीं प्लान किया ना। उन्हें एक बार मैसेज करके बता देती हूँ कि मैं निकल गई हूँ। ये फोन को क्या हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? शुक्र है कि मुझे लोकेशन पता है, मैं नहार जी को जाकर वहीं मिलती हूँ। मैडम जी, इस गली से डॉक्टर देखा, बोल लूँ क्या? जी भैया ले लीजिए।
ऐसा लगा रूही की साड़ी है। नहीं, रूही क्यों होगी? और रूही ऑटो से क्यों जाएगी? मैंने उसे कहा था मैं खुद उसे लेने आऊंगा। कोई और होगा शायद, उसके घर ही चलता हूं। अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? यहाँ तो ताला लगा हुआ है, सब लोग बाहर गए हैं। रोहित ने मुझे बताया क्यों नहीं? रोहित बिना एक बार फोन कर लेता हूँ। ये क्या, इतनी देर से मेरे फोन में नेटवर्क क्यों नहीं है? मेरे फोन में अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। आई होप रूही अपनी फैमिली के साथ ही हो, लेकिन जब तक उससे बात नहीं हो जाती मुझे टेंशन लगी रहेगी। बस रूही का पता चल जाए ये नेटवर्क सेटिंग्स चेक करता हूँ। ये अचानक गैलरी कैसे खुल गई? तो रूही को कोई मैसेज नहीं भेजा था। कितने बजे का है ये स्क्रीनशॉट? ये तो आज ही का है, 3:30 बजे का। और मेरी रूही से उससे पहले ही बात हुई थी, और 3 से 3:30 के बीच मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था। इसका क्या मतलब है? कहीं इसके पीछे ये सब अग्नि की ही करतूत है। अग्नि ने रूही को कहां बुलाया? ये तो वही जगह है जहां हॉस्पिटल बनाने के लिए लैंडमाइंस बिछाई गई हैं।